हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है स्टडी स्मार्ट एकेडमी में। तो आज हम पढ़ रहे हैं भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा। तो जो ये वीडियो प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लूसेंट समान ज्ञान का विविध चल रहा है, जो पार्ट नंबर फोर्थ है। और इसके पहले की वीडियो पार्ट 1, 2, 3 मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, उससे आप देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है सर्वोच्च नागरिक सम्मान। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, ठीक है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। सबसे बड़ी झील ताजे पानी की वूलर झील। सबसे बड़ी झील ताजे पानी की वूलर झील। सबसे बड़ी झील खारे पानी की चिल्का झील है, उड़ीसा में है। सबसे बड़ी झील खारे पानी की चिल्का झील उड़ीसा में है। सबसे बड़ी झील मानव निर्मित झील गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद बांध में है, ठीक है। सबसे बड़ी झील छिछले पानी की झील कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में है। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में है। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर में है। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर में है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में। आपको याद हो गया होगा, बहुत आसान है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, बताइए। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील है। मानव निर्मित झील सबसे बड़ी गोविंद वल्लभ पंत सागर। सबसे बड़ी झील छिछले पानी की कोलेरू झील है। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में है। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर में है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में। आइए दसवें नंबर पे, सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ठीक है। सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय कोलकाता। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में है। सबसे बड़ा सभागार ऑडिटोरियम श्री सन्मुखानंद हॉल मुंबई में है। सबसे बड़ा सभागार ऑडिटोरियम श्री सन्मुखानंद हॉल में है। सबसे बड़ा होटल ओबेराय सेरेटन मुंबई पे है। सबसे बड़ा होटल ओबेराय सेरेटन मुंबई पे है। सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, ठीक है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर, ठीक है, पंजाब में है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर है। सबसे बड़ा चर्च सेंट कैथेड्रल गोवा में है। सबसे बड़ा चर्च सेंट कैथेड्रल गोवा में है। सबसे बड़ा स्टेडियम युवा भारती सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है, ठीक है। सबसे बड़ा स्टेडियम युवा भारती सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में। बहुत ईजी है। सबसे बड़ा संग्रहालय बताइए, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ठीक है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में, ठीक है। सबसे बड़ा ऑडिटोरियम श्री सन्मुखानंद हॉल, ठीक है। सबसे बड़ा होटल ओबेराय सेरेटन, करेक्ट है। सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई पे, ठीक है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर, ठीक है। सबसे बड़ा चर्च सेंट कैथेड्रल गोवा में, ठीक है। सबसे बड़ा स्टेडियम युवा भारती सॉल्ट लेक स्टेडियम, ठीक है। आइए 19वें नंबर पे, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी असम में बना हुआ है। सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी असम में बना हुआ है। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता में, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। सबसे बड़ा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक। सबसे बड़ा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि में, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला कच्छ का गुजरात है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात। और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। तो सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया है,
और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है, ठीक है, 4.8 किलोमीटर का। तो बहुत ईजी है, याद हो गया होगा। नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी में। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम है बिरला प्लेनेटोरियम, कोलकाता में है। सबसे बड़ा डेल्टा बता दीजिए, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक। और जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला जो है गुजरात का कच्छ है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका, ढोला सादिया। सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, 4.8 किलोमीटर का, उड़ीसा में है। आइए 28वें नंबर पे, सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, ठीक है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी या राजस्थान नहर, राजस्थान में है, ठीक है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर, ठीक है, राजस्थान में है। सबसे लंबा ब्रैकेट विस्तार वाला पुल, ठीक है, सबसे लंबा ब्रैकेट विस्तार वाला पुल हावड़ा ब्रिज है, ठीक है। सबसे लंबी नदी गंगा नदी है 25 किलोमीटर। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है 1376 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी बिना डेल्टा वाली नर्मदा नदी है, ठीक है। सबसे लंबी नदी बिना डेल्टा वाली नर्मदा नदी है। सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई में, सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? मरीना बीच चेन्नई में है। सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है? गुजरात में है, ठीक है। सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य है गुजरात। और सबसे लंबा समुद्र तट वाला दक्षिणी भारत का राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। सबसे लंबा समुद्र तट वाला दक्षिण भारत का राज्य है आंध्र प्रदेश। बहुत ईजी है, आपको पता है सबसे लंबा रेगिस्तान कौन सा है? थार का रेगिस्तान राजस्थान में। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी या राजस्थान ने, सही है। सबसे लंबा ब्रैकेट विस्तार वाला पुल आपको पता है, ये हावड़ा ब्रिज, ठीक है। सबसे लंबी नदी 25 किलोमीटर गंगा नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है, ठीक है। सबसे लंबी नदी बिना डेल्टा वाली नदी है, जो डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा नदी है, एचडी बनाती है। और सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच चेन्नई है, ठीक है। सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। और सबसे लंबा समुद्र तट वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। सबसे लंबा समुद्र तट दक्षिण भारत, दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश है, 1037 किलोमीटर। आइए 37वें नंबर पे, सबसे लंबी विद्युत रेल लाइन, ठीक है, सबसे लंबी विद्युत रेलवे लाइन दिल्ली से कोलकाता वाया पटना। सबसे लंबी रेल मार्ग, तो सबसे लंबी रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ठीक है, दूरी 4286 किलोमीटर, विवेक एक्सप्रेस। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म 1.34 किलोमीटर, ठीक है। सबसे लंबी सुरंग, देखिए सबसे लंबी सुरंग एक रेलवे में है, एक सड़क में है। तो सबसे लंबी सुरंग रेलवे की पीर पंजाल सुरंग है, जो 11.215 किलोमीटर की है जम्मू कश्मीर में। और सबसे लंबी सुरंग सड़क सुरंग है चेनानी नैसारी सुरंग, लगभग 9.2 किलोमीटर की है, ठीक है। तो सबसे लंबी सुरंग रेलवे की पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर, और सबसे लंबी सड़क सुरंग है चेनानी नैसारी सुरंग, जो 9.2 किलोमीटर की है, ठीक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 हो गया, पहले NH-7 था जो वाराणसी से कन्याकुमारी था, अब सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 हो गया, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का, ठीक है। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड, सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है उत्तराखंड में। और सबसे ऊंचा गुरुत्ती बांध भांकड़ा बांध है पंजाब में, ठीक है। सबसे ऊंचा भांकड़ा बांध कहाँ है? पंजाब, गुरुत्ती बांध है, ठीक है। सबसे ऊंचा गुरुत्ती बांध भांकड़ा बांध है पंजाब में, और सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध उत्तर प्रदेश में है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, ठीक है, दिल्ली में है। और सबसे ऊंची सड़क खारदुंगला दर्रा में स्थित लेह मनाली सड़क है, ठीक है, खारदुंगला दर्रे में स्थित लेह मनाली सड़क है। तो ये बहुत इजी है, याद हो गया होगा आपको। सबसे लंबी विद्युत रेलवे लाइन, तो आप बता सकते हैं दिल्ली से कोलकाता वाया पटना, सही है। सबसे लंबी रेलगाड़ी, तो सबसे लंबी रेल मार्ग है, सॉरी सबसे लंबी रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। और सबसे लंबी सुरंग रेलवे
ठीक है, सबसे लंबी सुरंग है रेलवे में पेल पंजाल सुरंग, जो 11.215 किलोमीटर है, और सबसे लंबी सुरंग सड़क सुरंग चेनानी नेसारी सुरंग, जो 9.2 किलोमीटर 9.2 किलोमीटर है, और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH 44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, और सबसे लंबी सड़क बता दीजिए, ग्रैंड ट्रंक सड़क, ग्रैंड ट्रंक रोड, सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध, ठीक है, सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध भांगड़ा बांध, और सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, ठीक है, सबसे ऊंची सड़क खारदुंगला दर्रे में स्थित ले मनाली सड़क। 46वां नंबर में आ जाइए, सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा, ठीक है, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा, इसकी ऊंचाई 53.6 मीटर है। सबसे ऊंचा गुफा, सबसे ऊंचा गुफा अमरनाथ है जम्मू कश्मीर में, सबसे ऊंचा गुफा अमरनाथ जम्मू कश्मीर में, सबसे ऊंची झील देवताल झील गढ़वाल उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में सॉरी, सबसे ऊंची झील देवताल झील गढ़वाल, ठीक है, उत्तराखंड में, सबसे ऊंची चोटी काराकोरम केटू, ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसोप्पा जलप्रपात 292 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसोप्पा जलप्रपात, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर, सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लेह लद्दाख, ठीक है, सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लेह लद्दाख, सबसे अधिक वनाच्छित क्षेत्र वाला राज्य, ठीक है, मध्य प्रदेश है, सबसे अधिक वनाच्छित क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर, ठीक है, यहाँ आए मुंबई 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस शहर में है, मुंबई में है, ये भी बहुत ईजी है। तो बताइए सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा, सही है, सबसे ऊंचा गुफा अमरनाथ, करेक्ट है, सबसे ऊंची झील देवताल झील, सही है, उत्तराखंड में, और सबसे ऊंची चोटी काराकोरम केटू, ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसोप्पा जलप्रपात, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर, सही है, सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लेह लद्दाख में है, सबसे अधिक वनाच्छादित वाला राज्य मध्य प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई, आइए 55 नंबर पे, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिमराम, ठीक है, चेरापूंजी के नज़दीक है मासिमराम, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मासिमराम, सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य सिक्किम में, और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा में है, याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य सिक्किम, और सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, सब क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य है गोवा, और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मैंने आपको पहले बताया है राजस्थान। आइए 59 नंबर पे, सबसे घनी आबादी वाला राज्य, सबसे घनी आबादी वाला राज्य है बिहार, ठीक है, सबसे घनी आबादी वाला राज्य है बिहार, सबसे पुराना चर्च, सबसे पुराना चर्च सेंट थॉमस चर्च, ठीक है, सबसे पुराना चर्च सेंट थॉमस चर्च, सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा नदी घाटी, याद रखिएगा सबसे गहरी नदी घाटी है भागीरथी एवं अलकनंदा नदी घाटी, विश्व का सबसे लंबी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो 182 मीटर की साधु बेट द्वीप गुजरात में है, ठीक है, सब विश्व की सबसे लंबी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, 182 मीटर की है। तो ये भी बहुत आसान है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिमराम, ठीक है, सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य गोवा, और सबसे घनी आबादी वाला राज्य है बिहार, ठीक है, बताइए सबसे पुराना चर्च कौन सा है, सेंट थॉमस चर्च है, सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी घाटी है, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी मूर्ति कौन सी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताइए, और आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।